हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट के साथ आ चुका हूं। तो अगर आप भी यूपी बिहार आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है यूपी बिहार के लिए 6 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है और कोरोना काल में जो है रेलवे की तरफ से ये सौगात दिया जा रहा था। तो अगर आप भी दिल्ली से यूपी बिहार के लिए आना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन से आ सकते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप लोगों को सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताया हूँ कि आप कौन से ट्रेन से आ सकते हैं, आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं इंडियन रेलवे IRCTC कोरोना काल में रेलवे यूपी बिहार के यात्रियों के लिए जो है चलाई गई 6 विशेष ट्रेनें बुकिंग शुरू। ये देख पा रहे हैं कि कोरोना काल में जो है भारतीय रेलवे ने यूपी बिहार के यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। रेलवे ने जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले कामगारों के लिए जो है विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे जो है दूसरे प्रदेशों से जो है घर जाने आने वाले हजारों लोगों को जो है राहत मिलेगी। इन कामगारों से जो है खास तौर पर उत्तर रेलवे ने जो है दरभंगा और सीतामढ़ी के लिए जो है विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके बाद जो 24 से 26 अप्रैल तक जो है दोनों शहरों के लिए तीन तीन विशेष ट्रेनें रवाना होगी। इनकी जो है बुकिंग शुरू हो गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग रूट पर जो है मांग के अनुसार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। कहा कि इन ट्रेनों के जो है केवल आरक्षित और RSC टिकट वाले यात्रियों को ही सफ़र करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं गाइडलाइंस के जो है मुताबिक ट्रेनों में सफ़र के दौरान जो है मास्क लगाना जरूरी है। अगर कोई यात्री बिना मास्क के दिख गया तो उससे जो है जुर्माना वसूला जा रहा है और ट्रेनों में जो है कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नॉर्थन रेलवे जो है यहाँ पर ट्वीट करके ये बताए हुए हैं। और यहाँ पर आप आगे देख पा रहे हैं कि दिल्ली से दरभंगा के बीच जो है ये ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलेगी। 04492 नंबर की विशेष ट्रेन जो है 24 अप्रैल को, 04496 नंबर की विशेष ट्रेन 25 अप्रैल को और 04068 नंबर की विशेष ट्रेन 26 अप्रैल। रानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11 बजे रवाना होगी और अगले दिन जो है रात 11 बजे दरभंगा पहुँचेगी। और रास्ते में जो है इन ट्रेनों का जो है ठहराव मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहाँपुर और लखनऊ, बाराबंकी, गोड्डा, मनकापुर और बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर और देवरिया सदर होते हुए भटनी, भाटपर, रानी मेरिया और सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, डोली, समस्तीपुर, लहरिया सराय स्टेशन पर होगा। और यहाँ पर देख पा रहे कि नई दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच चलने वाली ये ट्रेन जो है विशेष ट्रेन है और ट्रेन नंबर 04494 नंबर की विशेष ट्रेन 24 अप्रैल को और 04498 नंबर की ट्रेन जो है 25 अप्रैल को और 04070 नंबर की ट्रेन जो है 26 अप्रैल को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात में जो है 11:55 बजे रवाना होकर तीसरे दिन जो है तड़के 2:10 जो है सीतामढ़ी पहुंचेगी। और ये ट्रेन जो है रास्ते में मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर और यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं कि जो भी स्टेशन है ये स्टेशन दिया हुआ है तो इस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी, यहाँ पर आप देख लेंगे। और ये जो है लास्ट स्टॉपेज इसका जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ठहरेगी। तो इस तरह से ये ट्रेनें जो है चलाई जा रही है। तो अगर आप भी इस ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो आप लोग इस ट्रेन का जो है टिकट बुक कर सकते हैं और इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।